लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पॉइंटर वर्सेस रेफरेंस, तो थोड़ा सा मैं रिकॉल करता हूँ पॉइंटर और रेफरेंस को, ठीक है। रेफरेंस बेसिकली एक कॉमन मेमोरी लोकेशन है। मैंने आपको कल बताया था कि जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो होता क्या है। फॉर एग्जांपल मैं C++ के अंदर इंटीजर एक्स इक्वल टू 40 एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, तो मेमोरी के अंदर क्या होगा, बेसिकली मेमोरी के अंदर एक बॉक्स मेमोरी का रिजर्व हो जाएगा जिसका नाम होगा x, जिसके कंटेंट्स होंगे 40, ठीक है, और इसकी जो टाइप है वो है इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर की वजह से इसको 4 बाइट मिलेंगे, ठीक है, जो मेमोरी के अंदर 4 बाइट इसका साइज होगा, ठीक है। इस मेमोरी का साइज बेसिकली डिपेंडेंट होता है इसकी डेटा टाइप के ऊपर। तो अगर ये इंटीजर है तो ये 4 बाइट होगा, और अगर ये फ्लोट है तो इसके 6 बाइट होंगे या 8 बाइट होंगे। इसी तरीके से अगर ये कोई करेक्टर है तो मेमोरी के अंदर इसके करेक्टर के हिसाब से उतने बाइट रिजर्व हो जाएंगे, ठीक है। तो जब भी आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, ये इनिशियलाइजेशन है वेरिएबल की, ठीक है। जब भी आप किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, डिक्लेरेशन में फर्क है। डिक्लेरेशन जो है वो होता है इंटीजर एक्स, जब आप मेमोरी रिजर्व कर लेते हैं, दिस इज बेसिकली डिक्लेरेशन, ठीक है। ये डिक्लेरेशन है और ये इनिशियलाइजेशन है। डिक्लेरेशन में एक्स की जो लोकेशन रिजर्व होती है उसके ऊपर कोई ना कोई गार्बेज कलेक्ट हो जाता है, कोई भी वैल्यू जो ऑलरेडी पड़ी होती है वो उसको एलोकेट हो जाती है। तो दिस इज बेसिकली इनिशियलाइजेशन। तो जब भी आप किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं तो क्या होता है, उसके अगेंस्ट एक वेरिएबल का नाम, उसकी लोकेशन और उसका साइज, ठीक है, और उसके कंटेंट्स रिजर्व हो जाते हैं जब भी कभी आप इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल का नाम इस केस के अंदर क्या है, एक्स इज द नेम ऑफ वेरिएबल, ठीक है, जब हमने इंटीजर एक्स इक्वल टू 40 किया, ठीक है। लोकेशन बेसिकली जब भी मेमोरी रिजर्व होगी तो किसी न किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे होगी। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि लोकेशन के लिए उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा 404064FF, ये हेक्साडेसिमल में होता है। और यहाँ पे मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था, दो क्वेश्चन पूछे थे, वो ये थे जिसका आंसर आप मुझे करेंगे अभी, कि एक तो ये बताएं कि ये 0x की नोटेशन C++ के अंदर हेक्सा के लिए क्यों यूज होती है, हेक्साडेसिमल, ठीक है, ठीक है। दूसरा मैंने ये कहा था कि ये हमेशा हेक्सा वैल्यू जो है ये एक इवन नंबर होती है, तो ये भी आप बताएं कि ये इवन नंबर क्यों होती है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे, और दो क्वेश्चन और भी थे लेकिन इनिशियली ये दो क्वेश्चन थे, ठीक है। तीसरा मैंने कहा था कि जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका साइज जो है वो भी उस वेरिएबल का अगेंस्ट जो है उसकी उसकी मेमोरी के अंदर एक पर्टिकुलर साइज उसको मिल जाता है। अच्छा, ये साइज जो होता है ये भी बेसिकली डिपेंडेंट होता है उसकी डेटा टाइप के ऊपर। तो साइज इज बेसिकली डिपेंड अपॉन इट्स डेटा टाइप, ठीक है। ये डेटा टाइप के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि क्या उसकी डेटा टाइप होगी, ठीक है। और कंटेंट बेसिकली क्या है, ये इसका इनिशियलाइजर, ठीक है, राइट। जो भी हमने इसका आइडेंटिफायर रखा है, ये एक्स इज आइडेंटिफायर, ठीक है, इसके अगेंस्ट जो भी वेरिएबल को जो कॉन्टेंट्स मिले हैं वो इसका कॉन्टेंट्स। अच्छा, अब हमें ये पता है, अगर इसकी एक मिसाल मैंने हम लें, फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि ये बेसिकली मेमोरी के अंदर एक बॉक्स है, इट्स लाइक अ कप, ठीक है, ये एक कप की तरह है, ठीक है, इसका नाम एक्स है, इसके अंदर 40 है, राइट, और कप का साइज जो है वो इंटीजर की वजह से इतना साइज है, और अगर फ्लोट होता तो बड़ा कप साइज होता, ठीक है। इसमें हम सिर्फ डिस्क्रीट एलिमेंट डाल सकते हैं जो डिफाइन हो, 40, 50, 60, -2, 3, 4, ठीक है, डिस्क्रीट एलिमेंट जो, ठीक है। तो ये इस कप में अगर आपने और ये कप कहीं पड़ा हुआ है मेमोरी के अंदर, राइट। सो अगर फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू पुट अनदर नेम टू द सेम कप, you have to refer another variable to the same memory location. तो reference के केस में
रेफरेंस के केस में हम सेम मेमोरी लोकेशन को एक नाम और दे देते हैं. फर्स्ट करें इस कप का नाम मैं एक और रखना चाहता हूँ विच इज़ वाई. तो मैं कैसे करूँगा, मुझे एक सी प्लस प्लस के अंदर एक रेफरेंस कोड लिखना पड़ेगा और वो रेफरेंस कोड होगा जैसे मैंने पहले ऊपर डिक्लेयर किया. मैं पूरा लिख रहा हूँ दोबारा, इंटीजर एक्स इक्वल टू 40, इंटीजर ये एड्रेस का साइन है, इसे एम्परसेंड बोलते हैं. ठीक है, ठीक है, तो ये मुझे करना पड़ेगा. तो इस केस में क्या हो गया कि मैंने y इज बेसिकली रेफरिंग टू x. ठीक है, तो रेफरेंस क्या है बेसिकली, कंप्यूटर मेमोरी कैन बी इमेजिन एज अ वेरी लार्ज अरे ऑफ बाइट्स. फॉर एग्जांपल अ कंप्यूटर विद 256 MB ऑफ रैम. ठीक है, तो उसका क्या होगा, उसकी सारी की सारी एक्चुअल कंटेन इट इज बेसिकली 2 पावर 28 बाइट. ठीक है, तो उस साइज के मुताबिक आप उस मेमोरी एड्रेसेस के अगेंस्ट जो है मेमोरी जो है वो कर सकते हैं. ठीक है, तो ये बेसिकली मेमोरी इज अ कॉमन लोकेशन, राइट. अब फर्ज करें मैं अगर फर्ज करें अकॉर्डिंग टू दिस कोड, अगर मैंने एक ही मेमोरी के दो डिफरेंट वेरिएबल्स एज अ रेफरेंस रखे हुए हैं, तो अगर मैं फर्ज करें वाई के कॉन्टेंट्स चेंज कर लूँ, ठीक है, इसको 20 कर लूँ और यहाँ पे सी आउट एक्स करूँ, तो आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट होगी मेरे पास 20. हालांकि मैंने एक्स को चेंज नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि ये कॉमन मेमोरी लोकेशन को दोनों शेयर कर रहे हैं. तो इस केस के अंदर अगर एक्स और वाई दोनों को मैं चेंज करूँगा तो वो रिफ्लेक्ट होंगे सेम मेमोरी लोकेशन. ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने एक कुकी बॉक्स है आपके पास, ठीक है, दिस इज द कुकी बॉक्स. ठीक है, इसमें कुकीज़ पड़ी हुई हैं. ठीक है, इनिशियली आपने इंटीजर एक्स इक्वल टू 10 किया और 10 कुकीज़ हैं इसके अंदर. ठीक है, और आपने फिर इंटीजर एड्रेस ऑफ वाई करके एक्स कर दिया और वाई इक्वल टू 8 कर दिया. तो इसका मतलब है इसमें से दो कुकी बॉक्स में से दो कुकीज़ किसी ने खा ली, और अब जो कुकी बॉक्स अगर एक्स एक्सेस करेगा तो उसको भी 8 कुकीज़ मिलेंगे. ठीक है, तो हमने जहन में ये चीज़ रखनी है कि कुकीज़ बॉक्स से बेसिकली मुराद है कि बॉक्स एक ही है, इसका मतलब है लोकेशन कॉमन है. ठीक है, अब इसको आप एक्स के साथ साथ वाई को भी एक्सेस दे दें. ठीक है, और इसी वाई के थ्रू अगर और वेरिएबल को आप एक्सेस देंगे तो वो भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इसी कोड को मैं अगर कंटिन्यू करूँ इस यहाँ पे, इसमें मैं एरर लगा देता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटीजर एम परसेंट ऑफ जी इक्वल टू एक्स, तो इसी पर्टिकुलर लोकेशन का एक और नाम आ जाएगा और वो होगा मेरे पास Z. ठीक है, अब अगर मैं Z के कॉन्टेंट्स चेंज करूंगा तो वो X और Y दोनों पे रिफ्लेक्ट होंगे. तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है. ठीक है, दिस इज रेफरेंस. ठीक है, फर्ज करें आप इसके बहुत सारे नाम रख सकते हैं. ठीक है, फर्ज करें मैं एक और लाइन लिखता हूँ उसमें. ठीक है, इंटीजर एड्रेस ऑफ A इज इक्वल टू Z कर देते हैं. ठीक है, तब भी ये रेफरेंस बन जाएगा. इंटीजर एड्रेस ऑफ बी इक्वल टू वाई कर देता हूँ, तब भी ये रेफरेंस बन जाएगा. तो अब ये सेम मेमोरी लोकेशन जो है डिफरेंट वेरिएबल के नाम, दिस इज सॉर्ट ऑफ एलियस. ठीक है, जैसे फर्ज करें आप किसी का नाम होगा, फॉर एग्जांपल ताहिर इकबाल होगा. ठीक है, तो अगर मुझे कोई इकबाल कह के बुलाएगा तो भी मैं अटेंटिव हो जाऊँगा क्योंकि मैं इकबाल हूँ, और अगर मुझे कोई ताहिर कह के बुलाएगा तो भी मैं अटेंटिव हो जाऊँगा. ठीक है, बाज़ मुल्कों में सरनेम से बुलाते हैं, बाज़ मुल्कों में यूसा है वो फर्स्ट नेम से बुलाते हैं. तो आप किसी भी नाम से बुलाएं किसी को भी, अगर उसके वो एक से ज़्यादा नाम है तो वो दोनों पे अटेंटिव हो जाएगा, कोई समझेगा शायद मुझे आवाज़ दी जा रही है. तो दैट इज़ हाउ, अगर एक्स के की बुनियाद के ऊपर अगर आप वाई के कॉन्टेंट्स को चेंज करते हैं तो वो सारों के लिए रिफ्लेक्ट होगी. फर्ज करें इसके ऊपर एक लॉक लगा हुआ है. ठीक है, इस लॉक की बहुत सारी कीज हैं. ठीक है, इस लॉक की बहुत सारी कीज हैं और एक की का नाम x है, दूसरे का y है, तीसरे का z है. तो z अगर इस लॉक को खोल के इसके कॉन्टेंट्स को चेंज करेगा तो y को भी चेंज कॉन्टेंट्स मिलेंगे. इसी तरह अगर y इसके मेमोरी के कॉन्टेंट्स को चेंज करेगा तो x को भी चेंज कॉन्टेंट्स मिलेंगे. ठीक है, इसी की मिसाल अब हम एक फंक्शंस के साथ करते हैं. ठीक है, और फंक्शंस के साथ करने के बाद हम देखते हैं कि क्या फंक्शंस के साथ ये पर्टिकुलर जो सा है वो किस तरीके से कॉल होता है और किस तरीके से काम करेगा. ठीक है, ठीक है, आप जानते हैं कि फंक्शन के अंदर तीन तरह के आर्गुमेंट पास होते हैं. एक को हम कहते हैं पास बाय वैल्यू, दूसरे को पास बाय वेरिएबल, और तीसरा जो होता है पास बाय रेफरेंस होता है. ठीक है, तो अगर हम
आर्गुमेंट फंक्शन में पास कर रहे हैं, आर्गुमेंट जो फंक्शन के हैं वो पास बाय रेफरेंस होंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि जो आर्गुमेंट भी आप रेफरेंस के तौर पे पास कर रहे हैं वो एक्सेसिबल है फंक्शन को। ऑल दो फंक्शन को हमने पढ़ा हुआ है कि फंक्शन जो है वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, ठीक है, वो अलग से मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूट होता है और वो कंट्रोल ट्रांसफर कर देता है मेन जहाँ से फंक्शन कॉल होता है। फर्ज करें ये आपका मेन फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे आपने एक माय फंक्शन के नाम से फंक्शन कॉल किया, ठीक है, ठीक है, तो ये मान जो माय फंक्शन है वो मेमोरी के अंदर अलग से इंडिपेंडेंट यूनिट के तौर पे एग्जीक्यूट होगा और कंट्रोल ट्रांसफर कर देगा जब इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी मेन को, ठीक है, तो उसके बाद वाली लाइन एग्जीक्यूशन शुरू कर देगी, ठीक है, राइट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, वंस इट्स कंप्लीट, ठीक है। लेकिन अगर इसके अंदर आर्गुमेंट पास हो रहा है, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर अगर आर्गुमेंट पास हो रहा है, यहाँ पे जो आर्गुमेंट पास हो रहा है वो रेफरेंस है, वो रेफरेंस है, तो इस केस के अंदर जो भी कंटेंट्स यहाँ पे वेरिएबल के चेंज होंगे जो एज अ रेफरेंस यहाँ पे पास हुए हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे इस मेन के अंदर। यानी अगर इसको मैं मज़ीद एलैबोरेट करूँ और इसको बनाने की कोशिश करूँ, ये मेन है, इसके अंदर एक वेरिएबल एक्स पास हो रहा है और एक वाई पास हो रहा है, ठीक है, और ये एक्स और वाई किसी फंक्शन के थ्रू ए और बी में कन्वर्ट होकर अपने कंटेंट्स को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। फर्ज करें यहाँ कंटेंट्स है 40, यहाँ है 60, ठीक है, तो यहाँ पे इसके कंटेंट्स हो जाते हैं 20, यहाँ पे हो जाते हैं 30, तो एक्चुअली 20 और 30 ए और बी के नहीं हुए बल्कि ए ने इस एक्स के कंटेंट्स को ओवरराइड किया और बी ने इस वाई के कंटेंट्स को ओवरराइड किया यूजिंग रेफरेंस, ठीक है। इसको हम कोड भी करके देख लेते हैं और इसको देखते हैं कि किस तरीके से कोड के अंदर इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, ठीक है, लेट मी राइट हियर, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन की डिक्लेरेशन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं void my function, इसमें इंटीजर दो वेरिएबल एज ए रेफरेंस पास करेंगे, ठीक है, ये फंक्शन डिक्लेरेशन आ गई, void main, ये मेन फंक्शन होगा, ठीक है, हम void के साथ भी कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट मेन का रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर होता है, तो मैंने वाइड इसलिए लिखा है कि आपको एक रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखनी पड़ेगी, एक लाइन काम लिखनी पड़ेगी, तो दैट इज़ व्हाई आई हैव रिटन ओवर हियर एज अ वर्ड, ठीक है। तो ये देखें आप, इसको मैं ये दो वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, एक्स उसमें कंटेंट्स डालता हूँ 40, y = 60 सेमीकॉलन, ठीक है, और फंक्शन कॉल करता हूँ माई फंक्शन x, y, ये दो एज ए रेफरेंस पास होंगे, ठीक है, बल्कि इसके बाद एक स्टेटमेंट भी लिख देते हैं सी आउट एक्स वाई, ठीक है, ये प्रोग्राम स्टेटमेंट हमने लिखी, ठीक है। यहाँ पे हम फंक्शन की डिक्लेरेशन लिखते हैं, डेफिनेशन सॉरी, माय फंक्शन इंटीजर एड्रेस ऑफ ए कॉमा इंटीजर एड्रेस ऑफ बी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ए के कंटेंट्स को चेंज कर दूँगा 20 और बी के चेंज कर दूँगा 30, ठीक है। अब देखें, अब आपको पता है कि जब भी फंक्शन के अंदर एज आर्गुमेंट पास हो रेफरेंस, ठीक है, तो एक्चुअली जब आपसे ये पूछा जाए कि किसी फंक्शन से क्या कोई एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न हो सकती है, तो यस, वो सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है कि जब आपने फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट एज अ रेफरेंस पास किया, ठीक है, उसी केस में हो सकती है। देखें, इसमें दो वेरिएबल ये फंक्शन डिक्लेरेशन है, ठीक है, या प्रोटोटाइप इसके फंक्शन डिक्लेरेशन है, ठीक है, और दिस इज बेसिकली फंक्शन कॉल एंड दिस इज बेसिकली द होल थिंग इज फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है, दिस इज लेट मी राइट हियर फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है, राइट, दिस कंप्लीट इज डेफिनेशन। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि मेमोरी के अंदर एक बॉक्स बन गया है, ठीक है, यहाँ पे उस बॉक्स में 40 पड़ा हुआ है, मेमोरी के अंदर एक और बॉक्स बना है वाई और उसमें पड़ा हुआ है 60, ठीक है। जब आपने एक्स और वाई दो आर्गुमेंट पास किए तो वो एक्स का जो है, जो एक्स का रेफरेंस है वो ए को पास हो गया और वाई का जो रेफरेंस है वो बी को पास हो गया, तो ए और बी एक नई मेमोरी लोकेशन नहीं बनी,
बल्कि इसी का एक नया नाम हो गया ए और इसका हो गया बी, और ये दोनों एक्सेसिबल है थ्रू फंक्शन। ऑल्दो इस ए और बी का जो स्कोप है वो इस फंक्शन की डेफिनेशन है, लेकिन ये डेफिनेशन इन दोनों मेन फंक्शन के मेन से पास होने वाले वेरिएबल के कॉन्टेंट्स को चेंज करने की सलाहियत रखता है। ठीक है, सो अब देखें, अब ए की वैल्यू अगर होगी है 20 तो वो बेसिकली इसको ओवरराइड करेगा। ठीक है, इसको ओवरराइड करने के बाद इसको कर देगा 20। ठीक है, और बी की वैल्यू जो 30 है वो इसको ओवरराइड करके इसको 30 कर देगा। जब आपने सी आउट एक्स और वाई किया तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, यहाँ पे 20 आएगी और यहाँ पे 30 आएगी। तो हमें ये चीज़ पता लग गई कि रेफरेंस बेसिकली क्या है। रेफरेंस वो कॉमन मेमोरी लोकेशन है जो एक्सेसिबल होती है थ्रू फंक्शन भी और डायरेक्टली मेन के अंदर भी। जैसे हमने यहाँ पे डायरेक्टली कोड लिखा था कि हमने इंटीजर एक्स लिखा 40 और वाई इसका एक नया नाम रखा, या ये समझ लें कि वाई एज अ रेफरेंस फंक्शन के तौर पे कॉल किया और हमने इसको इस तरीके से किया। ठीक है, ये रेफरेंस बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कुकी बॉक्स की, कि कुकी बॉक्स है आपके पास, अगर उसमें कुकीज़ जो हैं उसके ऑनर, उस बॉक्स के ऑनर एक से ज़्यादा हैं, तो कोई भी ऑनर अगर उस पर्टिकुलर कुकी बॉक्स के कंटेंट्स को चेंज करेगा, कुकीज़ खा लेगा या उसमें ऐड कर लेगा, तो वो बाकी दो ऑनर्स या दो से ज़्यादा ऑनर जितनी भी आपने उसके रेफरेंस बनाए वो उसके अंदर जब भी वो शेयर होंगे तो वो उसको उसके कॉन्टेंट्स को अपडेटेड पाएंगे। तो दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस इज़ बेसिकली अ रेफरेंस। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा रिकॉल किया आपको रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम पॉइंटर को समझने की कोशिश करते हैं कि पॉइंटर क्या चीज़ है। ठीक है, सो होपफुली अभी तक आपको जितना भी मैंने आपको ये समझाया है समझा दी होगी। अब देखते हैं ये है कि पॉइंटर बेसिकली कैसे काम करता है। ठीक है, और पॉइंटर क्या है। ठीक है, अब पॉइंटर्स, ठीक है अब देखिए पॉइंटर क्या होता है। बेसिकली ये एक ऐसा वेरिएबल है, ठीक है, जो सिर्फ अपने अंदर एक एड्रेस को रख सकता है। ठीक है द रेफरेंस ऑपरेटर जो हमने भी देखा है दैट रिटर्न द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है, टू विच इट इज अप्लाइड। ठीक है, तो ये हमने देखा अभी एग्जाम्पल के अंदर भी। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब हम पढ़ रहे हैं पॉइंटर। ठीक है, तो इट्स अ टाइप ऑफ वेरिएबल दैट स्टोर एन एड्रेस इज कॉल्ड अ पॉइंटर। पॉइंटर वेरिएबल हैव द डिराइव्ड टाइप पॉइंटर टू ए कह लें, पॉइंटर टू एक्स कह लें, पॉइंटर टू। ठीक है, और इसके ऊपर हमने क्या करना होता है, इसके ऊपर एक इसको स्टेरिक लगाना होता है, ये ग्राउंड लगाना होता है, और इसकी टाइप के साथ जो है हम उसको लगाते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अब फर्स्ट टाइम इसको डिक्लेयर कैसे करें, ठीक है, और इसमें फिर डिफरेंट चीज़ें हैं, नल पॉइंटर है वो मैं आपने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको सिर्फ रिकॉल कर रहा हूँ ये चीज़ें ताकि हम इसको डेटा स्ट्रक्चर के अंदर अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकें। अब देखें, फर्स्ट कर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है, वो है इंटीजर एन इक्वल टू 44। तो हुआ क्या, बेसिकली मेमोरी के अंदर एन के नाम से विद 44 कॉन्टेंट्स एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर। ठीक है, लोकेशन को खासतौर पर याद रखें, क्योंकि लोकेशन की जब मैं बात करूंगा इसका मतलब है कि वो मेमोरी के अंदर एक पर्टिकुलर एड्रेस पे सेव हुआ। ठीक है, आपको पता है कि आपके घर में जितने भी कमरे हैं, आपको पता है कि कमर रूम या आपकी यूनिवर्सिटी में जितने कमरे हैं, रूम वन जो है वो बेसिकली कहाँ है, यू नो दैट। रूम टू कहाँ है वो पता है, बी वन कहाँ है, यू नो दैट, यू नो द लोकेशन ऑफ दोज रूम्स। ठीक है, सो सिमिलरली कोई जब भी कोई मेमोरी के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर होगा, वो जो भी मेमोरी रिजर्व करेगा वो पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर होगा, क्योंकि वो एक एड्रेस रखेगा। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, फर्स्ट करें मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एन इक्वल टू 40। अब मुझे पता है कि ये मेमोरी में किसी लोकेशन के ऊपर है, आई वॉन्टेड टू एक्सेस द लोकेशन, तो क्या मैं करूँगा, मैं कहूँगा सी आउट एड्रेस ऑफ एन, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा लोकेशन। ठीक है, इट विल रिटर्न द एड्रेस ऑफ एन। ठीक है, जो कि होगा आप अज्यूम कर लें कि 0x4646f4, इस तरह किसी भी हेक्साडेसिमल में हो सकता है। ठीक है, दूसरा ये है कि फर्स्ट करें मैं इसके बाद एक लाइन और लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ इंटीजर स्टेरिक पी एन इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ एन। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर किया
जिसके ऊपर एक क्राउन लगा हुआ है, उसकी डायफिस है, ठीक है, इसके ऊपर स्टेरिक लगा हुआ है जो, तो ये एक ऐसा वेरिएबल होगा जो सिर्फ और सिर्फ अपने साथ अपने अंदर एक एड्रेस को एज अ कॉन्टेंट सेव कर सके। तो अब मेमोरी के अंदर एक और मेरा वेरिएबल बन गया जिसका नाम है पी एन, ठीक है, और उसके अंदर जो उसकी वैल्यू है वो बेसिकली इसका एड्रेस होगा एन का, 0x4646F4, ठीक है। तो ये एक ऐसा वेरिएबल है। अब फर्ज करें इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल था, ठीक है, अच्छा ये चीज़ भी याद रखनी जरूरी है कि इन दोनों की टाइप एक तरह होनी चाहिए। ये जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल था वो एक इंटीजर टाइप के पॉइंटर वेरिएबल का जो जो वेरिएबल है उसमें इसके एड्रेस को सेव कर रहा है। तो इट मीन्स द पी एन बेसिकली पॉइंटिंग टूवर्ड्स एन। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, एरो लगा सकते हैं, दिस इज बेसिकली पी एन इज पॉइंटर टू एन, दिस इज पॉइंटर टू एन, ठीक है। तो ये पॉइंटर, इसका मतलब है कि इसको पॉइंट कर रहा है। इसको आमतौर पे बुक्स में इस तरह बना होता है पी एन, यहाँ पे डॉट बना होता है, दिस डॉट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स एन हैविंग 44, राइट। सो इस तरह हो या उस तरह हो बात एक ही है, लेकिन ये समझने की जरूरत है। अच्छा एक और चीज़ याद रखें कि ये जो एड्रेस है ये इस एन का एड्रेस है, ठीक है, और यानी ये जिस लोकेशन पे सेव है और वो है 0x4646F4, ठीक है। अब ये ना समझिएगा कि ये इसका एड्रेस है। फर्ज करें आप यहाँ पे लिखते हैं सी आउट एड्रेस ऑफ पी एन, तो वो इसका अपना एड्रेस बताएगा जो कुछ और हो सकता है। फर्ज करें इसका एड्रेस है 0x6478FF, ये इसका एड्रेस है पी एन पॉइंटर वेरिएबल। तो इसका अपना कोई और एड्रेस हो सकता है, जबकि ये एक ऐसा वेरिएबल है जो मेमोरी के अंदर अलग से एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर सेव है, लेकिन इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये सेव करेगा किसी भी इंटीजर टाइप के पॉइंटर, किसी भी इंटीजर टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को। इंटीजर टाइप के क्यों, क्योंकि ये खुद एक इंटीजर टाइप है, ठीक है। तो ये चीज़ें रखनी है, दिस इज इसके लिए पॉइंटर वेरिएबल। और अगर इसकी मिसाल देखी जाए तो ये बिल्कुल ऐसी मिसाल है कि आपके पास वही कुकी बॉक्स है, ठीक है, उसके अंदर कुकीज पड़ी हुई हैं, उसके ऊपर एक लॉक लगा हुआ है, ठीक है, जैसे मैंने पहले मिसाल दी, उस लॉक की एक की है, ठीक है, उस की का नाम है एन, ठीक है, और वो एन आप टेम्परेरीली या आप ये एन दे देते हैं किसको, पी एन को। आप बताते हैं कि ये एन तुम जो मेरी ये की है ये तुम रख लो, यहाँ पे की से मुराद लोकेशन समझने, ये तुम रख लो और जाके जैसे फर्स्ट फॉर एग्जांपल मैं किसी सीआर को भेजता हूँ कि मेरी बुक टेबल के ऊपर रह गई है मेरे ऑफिस में, आप जाएं प्लीज़ ये कीज ले जाएं मेरे ऑफिस से और वहाँ से बुक उठा के, ठीक है, आप वहाँ जाते हैं वहाँ से बुक भी उठा के लाते हैं और मेरा लंच भी चेक करके आते हैं कि मैं लंच में क्या खाता हूँ, ठीक है। तो या आप इस तरह करते हैं कि उस बुक में से जो असाइनमेंट आपको मिलती है वो आप बीच में से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आई एम गिविंग यू अ की एंड दैट की कैन बी कैन चेंज द कॉन्टेंट्स ऑफ दैट कुकिंग बॉक्स, ठीक है। वंस यू गॉट द की यू कैन चेंज द कॉन्टेंट्स, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉइंटर, ठीक है। तो अब देखते हैं कि पॉइंटर की डिक्लेरेशन जो है वो हमेशा किसी न किसी एड्रेस से होती है, ये आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। और दूसरा ये है कि पॉइंटर टू पॉइंटर्स से क्या मुराद है, ठीक है। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, ठीक है। पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स, ठीक है। फर्स्ट करें आप ये चाहते हैं कि आपका जो ये पॉइंटर वेरिएबल था इसका एड्रेस भी किसी नेक्स्ट पॉइंटर वेरिएबल के पास से हो, तो आप एक और मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ कोड को, मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंटीजर स्टेरिक स्टेरिक पी पी एन और इसमें एड्रेस सेव करता हूँ पी एन का। तो इसका मुराद ये है कि अब मेरे पास एक और वेरिएबल आ गया है, ठीक है, उसका नाम है पी पी एन और वो पॉइंट कर रहा है इस पी एन को, ठीक है, राइट। तो इसी तरीके से आप इसके कॉन्टेंट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट करें आप लिखते हैं सी आउट स्टेरिक स्टेरिक पी पी एन, तो वो क्या करेगा, इट विल ब्रिंग 44 कॉन्टेंट्स लेकर आएगा किसके, एन के। और क्यों लेकर आएगा, क्योंकि इस ये आप कहते हैं टू लेवल ऑफ पॉइंटर, ठीक है, द टू लेवल ऑफ पॉइंटर विल बेसिकली जंप टूवर्ड्स द कॉन्टेंट्स ऑफ एन बिकॉज एन बिकॉज पी एन हैज द एड्रेस ऑफ एन एंड द पी पी एन हैज द एड्रेस ऑफ पी एन, राइट। सो दैट इज हाउ। तो इसी तरीके से अगर आपको फिर इसका एड्रेस चाहिए तो आप एड्रेस ऑफ पी पी एन लिख लें,
तो आपको इसका एड्रेस मिल जाएगा। इसका एड्रेस चाहिए तो एड्रेस आप पीएन लिख लें, तो इसका एड्रेस आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, किसी भी एड्रेस के ऊपर आप उसे कॉन्टेंट्स को एक्सेस करना चाहें, फर्स्ट करें आप लिखते हैं यहाँ पे सी आउट एड्रेस ऑफ पीएन, इसके ऊपर स्टैरिक लगा दो, तो क्या आउटपुट होगी? अब ये है एड्रेस ऑफ पीएन, इसके ऊपर स्टैरिक लगाएंगे तो इट कंटेन द एड्रेस ऑफ एक्स, तो वो क्या रिटर्न करेगा? एड्रेस ऑफ एक्स को रिटर्न करेगा, विच इज 4646F4। तो ये चीज़ ज़रा ध्यान में रखिएगा कि किस तरीके से काम करती है, राइट। तो ये मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ, ठीक है, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये बेसिकली किस तरह काम करता है, ठीक है। यानी इसको मैं प्रॉपर प्रोग्राम की सूरत में लिखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। ये हमारा पेज था, पेज नंबर 3, राइट। अब देखें, मैं लिखता हूँ छोटा सा प्रोग्राम, ठीक है, इसी को लिखता हूँ, ठीक है। मैं लिखूँगा इंटीजर मेन, ठीक है, इंटीजर एन इक्वल टू 44, ठीक है। अब आप सी आउट करेंगे एन को, ठीक है, फिर आपने मुझे बताना है कि क्या रिटर्न करेंगे। सी आउट एड्रेस ऑफ एन, ठीक है, और अगर आप एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं स्टैरिक पी एन और एड्रेस ऑफ एन उसको एलोकेट कर देते हैं, तो उस सूरत में सी आउट, अगर आप पी एन करेंगे तो पी एन के कॉन्टेंट्स दिखाने चाहिए उसको, ठीक है, ठीक है, और अगर आप सी आउट करते हैं, ठीक है, एड्रेस सी आउट करते हैं एड्रेस ऑफ पी एन, पी एन, फिर आप सी आउट करते हैं स्टेरिक पी एन, और वन मोर थिंग, आई जस्ट वांटेड टू ऐड वन मोर लाइन हियर, एड्रेस ऑफ पी एन, इसके ऊपर स्टेरिक लगा दें, ठीक है, तो क्या रिटर्न करेंगे? अब देखिए, फर्स्ट करें यहाँ पे जो रिटर्न होगा ये रिटर्न करेगा कॉन्टेंट्स ऑफ एन, और ये क्या है कॉन्टेंट्स ऑफ एन 44, ठीक है। हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एन के नाम से, ठीक है, इसमें 44 डाल दिए, ठीक है, और इसकी टाइप है इंटीजर, ठीक है। फिर आपने कहा कि एड्रेस ऑफ एन, इट विल ब्रिंग आउट एड्रेस ऑफ एन, ठीक है, ये क्या करेगा, एम परसेंट का साइन वेरिएबल के एड्रेस को लेकर आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आपने यहाँ पे क्या किया, आपने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, जो एड्रेस सेव कर रहा है एन के, तो आपने क्या किया यहाँ पे, आपने एक पी एन के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, और चूंकि इसमें मैं स्टैरिक लगा रहा हूँ, इंटीजर स्टैरिक, तो ये पॉइंटर वेरिएबल है जिसके पास कैपेबिलिटी है कि इंटीजर टाइप के एड्रेस को सेव करें, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट कर रहा है इसको, ठीक है, इस एन को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, फिर आपने, अब देखें यहाँ पे क्या आउटपुट आएगी, आपने कहा जी मुझे पी एन बताओ कि पी एन क्या है, तो पी एन तो क्या है बेसिकली, पी एन एड्रेस है किसका, क्योंकि इसके अंदर इसका एड्रेस पड़ा हुआ, फर्स्ट करें इसका एड्रेस क्या था, वही मैं पुराना वाला एड्रेस लिखता हूँ, इसका एड्रेस था 0x4040, तो ये इसके अंदर पड़ा हुआ, इसका अपना एड्रेस 0x6060 होगा, लेकिन ये बेसिकली क्या कर रहा है, इसके अंदर जो एज अ कॉन्टेंट्स पड़े हुए हैं वो ये वाली वैल्यू पड़ी हुई है, तो आप कह रहे हैं ना सी आउट पी एन, तो ये क्या लेकर आएगा, कॉन्टेंट्स लेके आएगा पी एन के, ठीक है, तो ये क्या होंगे 0x4040, राइट, एड्रेस लेकर आया किसका, एक्स एन का एड्रेस लेकर आया, अपना नहीं एन का। अच्छा, यहाँ पे क्या आउटपुट होगी, यहाँ पे जो आउटपुट होगी वो होगी एड्रेस ऑफ पी एन, ठीक है, एड्रेस ऑफ पी एन ये है, तो वो क्या रिटर्न करेगा 0x6060, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि जो एड्रेस पी एन का है उसकी वैल्यूज मुझे दिखाएं, ठीक है, जब भी आप स्टैरिक लगाते हैं इट विल ब्रिंग अ वैल्यू, ठीक है, जो कुछ भी उसके पास पड़ा, ठीक है, तो वो क्या पड़ा हुआ है 44, तो वो क्या रिटर्न करेगा 44, समझ आ रही बात, इस केस में क्या करेगा, इस केस में भी 44 जो पी एन के एड्रेस के ऊपर पड़ा हुआ है वो दिखाएं, तो ये एड्रेस को इस तरह से भी आप एक्सेस कर सकते हैं और इस तरह से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, क्योंकि पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स हम देख रहे थे अभी, तो मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, और उस वेरिएबल का नाम होगा
एक और इंटीजर, उस पर दो स्टेरिक लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने किसी ऐसे वेरिएबल के एड्रेस को इसमें सेव करना है जो खुद एक पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। तो अब आप उसको एड्रेस दे दें, किसका? पॉइंटर वेरिएबल का, पी एन। तो आप पी एन के एड्रेस अब यहाँ दे दें, ठीक है। ठीक है, आप देखें नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में मैं बारी बारी को कॉन्टेंट्स को डिस्प्ले करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ सी आउट पी पी एन, ठीक है। इसका मतलब है कि क्या लेकर आए? पी पी एन लेकर आए। पी पी एन क्या है वैसे? अब मैं यहाँ पे पहले एलैबोरेट करता हूँ कि मैंने किया क्या है। यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, यहाँ पे पी पी एन के नाम से, जो पॉइंट कर रहा है, इसकी टाइप भी इंटीजर है लेकिन इसके ऊपर दो स्टेरिक हैं, बिकॉज इट विल सेव द एड्रेस ऑफ वन स्टेरिक एड्रेस पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। तो ये इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो जब आप कहेंगे उसको कि पी पी एन दिखाए, तो पी पी एन तो एड्रेस है किसका? पी पी एन के पास एड्रेस है। इसके पास जो एड्रेस पड़ा हुआ है, मैं इसको ग्रीन में लिखता हूँ कि इसके जो कॉन्टेंट्स हैं वो हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके अंदर जो पड़ा हुआ है वो लिखा हुआ है 0x4040। अच्छा, इसके अंदर जो पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है 0x6060, ठीक है। जबकि इसका अपना जो एड्रेस है वो डिफरेंट हो सकता है, विच माइट बी, अज्यूम करते हैं कि इसका एड्रेस 08080 होगा, ठीक है। तो अब फर्ज करें अगर मैं पी पी एन लिख रहा हूँ, तो पी पी एन का मतलब क्या है? कि पी पी एन से मुराद ये है कि वो मुझे दिखाए कि पी पी एन क्या है। तो पी पी एन के अंदर तो एड्रेस पड़ा हुआ है पी एन का, तो वो पी एन का एड्रेस दिखाएगा, ठीक है। तो वो एड्रेस क्या होगा पी एन का? 0x6060। तो वो 6060 दिखाएगा, ठीक है, इस केस के लिए। अब नेक्स्ट देखिए, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और लाइन लिखता हूँ, सी आउट, यहाँ पे लिखता हूँ एड्रेस ऑफ पी पी एन। तो अब मुझे वो क्या दिखाएगा? एड्रेस ऑफ पी पी एन। और पी पी एन का एड्रेस क्या है? ठीक है, वो है 0x8080। तो वो मुझे इसका एड्रेस दिखाएगा, ठीक है। अब मैं दो तीन लाइनें और ऐड करता हूँ ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर फर्स्ट करें मैं लिखता हूँ सी आउट, नेक्स्ट लाइन पे सी आउट, और यहाँ पे लिखता हूँ स्टेरिक पी पी एन, तो वो क्या दिखाएगा? अगर मैं स्टेरिक पी पी एन लिखता हूँ, तो जाहिर है कि स्टेरिक पी पी एन से मुराद ये है कि कॉन्टेंट्स दिखाओ जो पी पी एन के एड्रेस पे पड़ा हुआ है। तो पी पी एन के एड्रेस पे तो ये पड़ा हुआ है, तो वो एड्रेस दिखाएगा मुझे कौन सा? 0x6060, ठीक है। इट विल शो द एड्रेस ऑफ पी एन, यानी इसका एड्रेस जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, वो दिखाएगा 0x6060, ठीक है। ये हो गया। अब अगर फर्स्ट करें दो स्टेरिक लगाता हूँ मैं, तो क्या रिटर्न करेगा वो? सी आउट स्टेरिक स्टेरिक पी पी एन, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा बेसिकली द कॉन्टेंट्स ऑफ एन विच इज 44। एक्चुअली इट मीन्स यू गेट द कॉन्टेंट्स ऑफ टू स्टेप अहेड विच कंटेन द एड्रेस ऑफ पी पी एन एंड पी एन, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू कैन सी ऑल द एड्रेसेस। ये था बेसिक पॉइंटर का, पॉइंटर के हवाले से बेसिक, ठीक है। और ये हमारा फोर्थ पेज था आज का, ठीक है। तो यह फोर्थ स्लाइड थी, ठीक है। सो ये था बेसिक पॉइंटर्स, ठीक है। अब हम समझते हैं, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अरे में पॉइंटर का क्या रोल है। हमने ये सुना है कि अरे जो होती है वो बेसिकली वो जो है वो एक रेफरेंस होती है, ठीक है। तो अगर वो अरे एज अ रेफरेंस होती है तो वो बेसिकली कैसे काम करेगी? तो लेट्स सी, ठीक है। ठीक है, उसमें भी एक कॉन्स्टेंट ज़ाहिर है, अरे के अंदर कॉन्स्टेंट, मैं आपको समझाता हूँ भी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि पॉइंटर्स, ठीक है, एंड अरेज, ठीक है, इन दोनों में क्या बेसिकली पॉइंटर का क्या रोल है और ये बेसिकली किस तरीके से काम करता है, और अरे का पॉइंटर से क्या ताल्लुक है।